धर्म नगरी हरिद्वार आगामी 2021 कुंभ से पहले देश का दूसरा भूमिगत विद्युत लाइन वाला शहर बन जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईपीडीसी योजना के तहत कुंभ क्षेत्र की 388.59 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन किया। इस दौरान काबीना मंत्री मदन कौशिक, विधायक सुरेश राठौर, आदेश चौहान सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं सीएम ने जम्मू में आतंकी ब्लास्ट में मारे गए युवक की मौत पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि अब आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। हम सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, ये दूसरा शहर है जहां पर अंडरग्राउंड केबलिंग होगी और 388 करोड़ रुपया इस पर खर्चा होगा। इसका आज शुभारंभ किया गया है, उसका शिलान्यास किया गया है और लक्ष्य यह है कि इस बार का जब कुंभ होगा 2021 में, उससे पहले ये पूरी परियोजना अपना पूरा काम कर ले और आने वाले कुंभ में जो दिक्कतें होती हैं यातायात में, परिवहन में, कई बार जो सवारियां निकलती हैं हमारे अखाड़ों की, उनमें भी कई बार बहुत खतरा सा लगता है, दिक्कत होती है, तो दिक्कतें दूर होंगी और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, लगभग 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हरिद्वार शहर के लिए आया है, उससे यहाँ पर आर्थिक समृद्धि भी होगी, लोगों की सुविधाएं भी बढ़ेंगी, विद्युत की क्वालिटी भी सुधरेगी।